इंडिया में स्मार्टफोन का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है। 2000, 5000, 7000, 20000, 50000 और 1 लाख, 1.5 लाख तक के भी यूजर्स इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। इतनी यूजर्स की वैरायटी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है जितनी की इंडिया में है। तो वही बात करें अगर हम फोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप, तो बजट फोन होते हैं उसमें कई सारे ब्लॉटवेयर्स देखने को मिल जाते हैं जो काफी इरिटेटिंग और काफी अनोइंग होते हैं यूजर्स के लिए, जो उनके किसी काम के भी नहीं होते लेकिन वो उनका डेटा चुरा रहे होते हैं। तो ऐसे ही प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स पर गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है। जैसा कि यूरोप में एक रूल है कि आप प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी रूल नहीं था, लेकिन अब आप प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स क्या होती हैं। प्री इंस्टॉल्ड ऐप जैसे आपके फोटोज की ऐप, कैमरे की ऐप, कॉन्टैक्ट की ऐप, कैलेंडर की ऐप, ये सारी भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं। लेकिन कई बार बजट फोन्स में हमें अदर गेम सेंटर वगैरह की, या कोई गेम ही, या कोई और एप्लीकेशन बेटिंग वगैरह की, या कोई ट्रेडिंग वगैरह की एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी फोन में इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। अदर एप्लीकेशन बजट फोन में ही ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनीज को अपने स्मार्टफोन को बजट में लाने के लिए ज्यादा सस्ता करना होता है और उसमें कॉस्ट कटिंग भी वो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उस फोन की डिमांड उतनी नहीं रहेगी। तो उस फोन की वैल्यू कम करने के लिए वो ऐप से कोलैबोरेट करती है और कोलैबोरेशन करने के बाद में वो उस फोन को प्री इंस्टॉल करके अपने फोन को रिलीज करती है। यूजर उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता है। इन एप्लीकेशन में सिक्योरिटी काफी वीक देखने को मिलती है। इन एप्लीकेशन की वजह से यूजर के डेटा को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि इन एप्लीकेशन को यूजर को परमिशन देनी होती है, जैसे फोटोज, कॉन्टैक्ट वगैरह, कि अगर ये एप्लीकेशन परमिशन ले लेता है तो उसके बाद में उन एप्लीकेशन को हैक करना काफी ज्यादा इजी होता है। इंडियन गवर्नमेंट की स्मार्टफोन कंपनी से एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में गाइडलाइन जारी की गई है। उस मीटिंग में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, MI, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी। उस गाइडलाइन के मुताबिक स्मार्टफोन कंपनीज को प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट देनी होगी। उस लिस्ट में स्मार्टफोन कंपनी को उस एप्लीकेशन का यूज और पर्पस भी देना होगा, और हर स्मार्टफोन में यूजर को ये भी सुविधा दी जाएगी कि वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सके, ताकि यूजर अपने स्मार्टफोन का यूज अपने तरीके से और अपने हिसाब से कर सके। उसको जो एप्लीकेशन अपने फोन में रखनी है वो उसी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखे, बाकी वो जो नहीं चाहता रखना उसको वो अनइंस्टॉल कर सके। और ये एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन लाखों लोगों के डेटा को सेव कर सकता है उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जो पहले से ही फोन में इंस्टॉल होती है और जिनकी सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं है। अभी की बात करें, जब स्मार्टफोन पर कोई भी रूल नहीं है तो हम उन एप्लीकेशन को कैसे भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप उनको अपने फोन से नहीं निकाल सकते हैं। आप चाहे फोन को फ्लैश कर लें, चाहे फोन को फॉर्मेट कर दें, कुछ भी कर लें, आप उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल या रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन से बचने के तरीके बताता हूँ। इन एप्लीकेशन से बचने के लिए उनकी सारी परमिशन को बंद कर दीजिए। अगर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है तो फोर्स स्टॉप कर दीजिए। इस गाइडलाइन के बाद में जो भी एप्लीकेशन हमें फोन में प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगी वो IT रूल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर वो वहां पर वेरीफाई नहीं होगी तो हमें फोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप वो देखने को नहीं मिलेगी। इस गाइडलाइन के बाद में जो भी एप्लीकेशन हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी वो BSI से चेक्ड और वेरीफाइड होगी। इससे होगा ये कि कोई भी फेक और फ्रॉड एप्लीकेशन हमारे फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं होगी जो हमारे डेटा को चुरा के उसका मिसयूज कर सके। इससे पहले भी इंडिया में काफी सारी एप्लीकेशन को बैन किया गया था, उसमें TikTok भी एक बड़ी एप्लीकेशन थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।